आई एम बाल मुकुंद पंड्या, होप आप लोग सेफ होंगे। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, इसमें से कॉमन एक क्वेश्चन आया कि अपने घर पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग को चेंज या तो बदलना कब चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड कब करनी चाहिए। तो दो पांच छह सिंपल जो टिप्स है मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से आपको अभी या तो फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टिल आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं एनर्जी सेविंग, अपार्टमेंट मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, अपार्टमेंट कॉमन प्रॉब्लम्स, ऐसे मैं काफी वीडियो बनाया है और आप लोगों ने सराहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लीजिए शुरू करते हैं आपका इम्पोर्टेंट आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग या तो इलेक्ट्रिक सिस्टम को अपग्रेड कब करना चाहिए हमारे घर पे। तो जब हमारा घर का कनेक्टेड लोड अगर इंक्रीज हो जाता है, कनेक्टेड लोड जो हमने कनेक्शन लिया है उससे, तो हमको अपग्रेड करना चाहिए वायरिंग। फॉर एग्जाम्पल कि घर में हमने सिंगल फेज कनेक्शन लिया है 3 किलोवाट का, और अगर हम नया एयर कंडीशन लेते हैं तो एयर कंडीशन 1.5 टन का आता है, तो हमारा जो नॉर्मल सिस्टम में यूज करते हैं ट्यूब लाइट्स है, फैंस है, गीजर्स लगते हैं, उसके अलावा हमने नया एडिशनल किया, तो एक अगर एसी है तो हम 3 किलोवाट पे चला सकते हैं, लेकिन अगर हमने दूसरे रूम के लिए भी 1.5 टन का एक और एयर कंडीशन ले लिया तो अपने सिस्टम को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फायर होने की संभावना है या डैमेज होने की संभावना है। तो लोड, कनेक्टेड लोड आपका इंक्रीज हुआ तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर आपके घर का वायरिंग 20 साल पुराना हो चुका है तो आपको ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि अभी वो विस्टैंड कर पाएगा कि नहीं, उसका इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं, वो चेक करके आपको वो सिस्टम को अपग्रेड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी दूसरे फ्लैट या कुछ ऐसी वजह से आपका फायर या तो कुछ डैमेज होता है शॉर्ट सर्किट से, तो आपको अब सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चौथी बार, अगर आपका घर का रिनोवेशन हो रहा है तो रिनोवेशन के टाइम पे भी आपको आपका वायरिंग या तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये अपग्रेड करने से बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो पहले आप अपना नया वायरिंग करते हो तो प्रॉपरली होगा, ISI मार्क वाला होगा, और उसकी एफिशिएंसी पहले से बढ़िया होगी, तो आपका एक तो पहले एनर्जी सेविंग होगा, लॉसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, आपका सेफ्टी प्रिकॉशन बढ़ जाएगा, इसलिए फायर या तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका प्रॉपर अर्थिंग हो जाएगा, क्योंकि आप रिनोवेशन करोगे, सिस्टम अपग्रेड करोगे, वायरिंग चेंज करोगे, तो अर्थिंग भी आप प्रॉपर करोगे, तो अर्थिंग करने से आपका सिस्टम में कोई लीकेज होने का या तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाती है। तो दूसरा, आप जब अपग्रेडेशन करते हो तो उसके साथ उसकी जो केबल यूज करते हो, आप एसेसरी यूज करते हो, वो ध्यान रखो कि ISI मार्क वाला हो, स्टैंडर्ड कंपनी का हो, और बिल के साथ लो कि जिसकी वजह से अगर आपका कोई गारंटी वारंटी है तो आप उसको ले सकते हो। तो दोस्तों, ये 4 रीजन की वजह से आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है। सो दोस्तों, आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।